बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। श्योरली ऑल ऑफ यू मस्ट हैव डन योर होम टास्क ऑफ थर्सडे एंड नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज ऑफ पोएम प्ले टाइम। एंड अपनी बुक्स आप निकाल लीजिए और बुक के ऊपर आज हम काम करेंगे और पेज नंबर 24 जो है वो निकाल लीजिए। सबसे पहले है राइमिंग वर्ड्स। फाइंड राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम फॉर द फॉलोइंग। राइमिंग मीन द वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड एंड साउंड, जिनकी जो एंड साउंड होती है वो सेम होती है, उनको हम आवाज़ अल्फाज जो है वो कहा जाता है। सबसे पहले जो वर्ड आता है वो है नंबर ए में ओल्ड, और ओल्ड का जो राइमिंग वर्ड है वो है गोल्ड, GOLD गोल्ड। और नेक्स्ट जो है नंबर बी है हेड, HEAD हेड, हेड होता है सर। इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है शेड, और क्योंकि इनकी आवाज़ साउंड जो है एंड आवाज़ साउंड एक ही है, और शेड का मतलब है साया। आगे है नंबर सी, नंबर सी है ग्र्यू, GREW ग्र्यू, ग्र्यू का मतलब है उगना, और इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है फ्ल्यू, FLEW फ्ल्यू, फ्ल्यू का मतलब है उड़ा। नेक्स्ट है डी है जी, नेक्स्ट डी है ईस्ट, EAST ईस्ट, और ईस्ट है मशरक, और इसका जो राइमिंग वर्ड है वो है बीस्ट, BEAST बीस्ट, और बीस्ट होता है दरिंदा। नेक्स्ट है जी पाए, PIE पाए, और पाए का जो राइमिंग वर्ड है वो है आई, EYEI, और पाए जो है एक किस्म की पेस्ट्री टाइप चीज़ होती है। नेक्स्ट है जी कॉल, CALL कॉल, इसका होगा वॉल, WALL वॉल। नेक्स्ट है नंबर जी पे लूजिंग, LOSING लूजिंग, और लूजिंग का मतलब ये है कि हारना, और स्नूजिंग, SNOOZING स्नूजिंग, और ये है इसका मतलब है रेस्ट करना। आगे इसके बाद है जी एच पे है ड्रीम, DREAME ड्रीम, और इसका होगा जो राइमिंग वर्ड है वो है स्क्रीम, SCREAMED स्क्रीम। जैसे कि आपको नोट्स दिए गए थे PDF पे, और इनमें राइमिंग वर्ड्स जो हैं वो राइट हुए हुए थे, आपने सिर्फ इनको लर्न करना है। और नेक्स्ट है, और इसको जो नेक्स्ट एक्सरसाइज बताई जा रही है उसको बुक के ऊपर आप बुक पे भी आप इसको सॉल्व कर लें। इसमें है मेट द वर्ड दैट हैव सिमिलर मीनिंग्स। इसमें आपने दो कॉलम दिए गए हैं, कॉलम ए है और बी है, और इसमें जो सिमिलर जो एक जैसे मानी वर्ड्स रखते हैं उनको आपस में मैच करना है। और इसमें है, और इसमें हमने नंबर ए कॉलम में इनको नंबरिंग कर दी है, जैसे कि ग्रैब से स्टार्ट किया है, ग्रैब को 1 नंबर दे दिया है, नेक्स्ट को 2, फिर 3, 4 और फिर 5, ताकि इसको मैच करने में कोई डिफ़िकल्टी ना आए। अब इसमें जो है नंबर 1 पे है ग्रैब, नंबर 1 पे है ग्रैब्ड, और ग्रैब का मतलब है पकड़ना, खींचना, और इसको जो इसका सिमिलर वर्ड जो नंबर बी में आ रहा है वो है कैप्चर, CAPTURED कैप्चर्ड, कैप्चर्ड का मतलब भी पकड़ना है, इस पर नंबर 1 लगा दें। आगे है जी स्नूज्ड, SNOOZED स्नूज्ड, ये आपको पहले भी बताया गया है स्नूज्ड का, रेस्टिंग, रेस्ट करना, और इसके जो सिमिलर मीनिंग आ रहा है वो है डोज़, DOZED डोज़, और डोज़ का मतलब भी जो है वो रेस्ट करना, आराम करना है, इस पर नंबर 2 है, इस पर 2 लगाएंगे। आगे है प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब है PRETEND प्रिटेंड का मतलब फनकारी करना,
और शो करना, और इसको जो जिसके साथ लगाया मैच किया गया है वो है एक्ट, ACT एक्ट। एक्ट का मतलब ही अदाकारी करना है। और ये जो है नंबर 3 लगाएंगे। इसके बाद है डिफीटेड, DEFEATED डिफीटेड, और इसका मतलब है कि हारना, डिफीट करना, शिकस्त देना। और इसमें है इसके जो सिमिलर मीनिंग आ रहे हैं वो है बीटन, BEATEN बीटन, और इसका मतलब है हराना, हारना, हराना। और ये नंबर 4 आगे। इसके बाद ये बैटल, BATTLE, बैटल, बैटल का मतलब है लड़ना, लड़ाई। और इसका आएगा जो नंबर B में हमने इसको मैच करना है वो है फाइट, FIGHT फाइट, और इसका मतलब है कि जंग, लड़ना। और इसको जो है नंबर 5 इसका दिया जाएगा। आगे इसके बाद मैट द फॉलोइंग, और ये सिमिलीज है, और सिमिलीज से मुराद जो है जैसे कि तशबीहात हैं। और इसमें जैसे कि हम फॉर एग्जांपल कहते हैं कि किसी की खूबसूरती को मैच करना चाहें तो हम कहते हैं कि ये इतना खूबसूरत है जैसा कि चांद की तरह। तो इसमें जो है 2 कॉलम दिए गए हैं, कॉलम A है और कॉलम B है। और इनमें जो कॉलम A में जो है ऑलरेडी अल्फ़ाबेट्स के साथ इनकी जो है वो नंबरिंग की गई है। और अब जो है नंबर A पे है एस ग्रीन, एस ग्रास, और इतना ग्रीन, इतना सब्ज जितना के घास। आगे है एस वाइट, एस वाइट, और एस वाइट का होगा एस वाइट एस स्नो। आप इसमें भी इसमें स्नो के साथ B लगाएंगे, और क्योंकि वाइट के साथ B है। और इसी तरह से जो है जो नंबर 1 पे ग्रीन था, ग्रास के साथ A लगाएंगे। इसके बाद है एस प्राउड, और इतना गरूर, मगरूर, और एस प्राउड एस पीकॉक, पीकॉक का मतलब है मोर, और जो है इसके साथ सी लगाएंगे। आगे इसके बाद एस शार्प, शार्प का मतलब है तेज, एस शार्प एस नीडल, नीडल का नीडल के साथ इसको मैच करेंगे। और ये है नंबर D, और नंबर E पे है एस ओल्ड, और इतना जो है पुराना, एस द हिल्स, जितनी के पहाड़, पहाड़ हैं। और इसके साथ इसको ओल्ड को इसके साथ तशबीह दी गई है। आगे है एस फ्रेश, इतना ताज़ा, एस डेजी, जितना के डेजी, डेजी एक फूल है, उसके साथ इसको कहा गया है।